पुलिस प्रशासन लाख कोशिश करे लेकिन क्षेत्र में अपराध बदस्तूर जारी है। अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हैं, उन्हें अपने अंजाम का डर भी नहीं है। लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता का भी अभाव होता जा रहा है और यही एक कारण है कि आए दिन क्षेत्र में लूट, राहजनी, बलात्कार और हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं। अभी कुछ घटनाओं की आग बुझी भी नहीं थी कि जमुआ के हिरोड़ी थाना क्षेत्र के साली में माले समर्थक एक मजदूर की निर्मम हत्या अपराधियों ने कर दी। परिजनों की माने तो हत्या का शिकार हुए नारायण राय की हत्या में उसके नज़दीकी रिश्तों का ही हाथ है। वैसे छुपे रूप से कुछ और बातें भी सामने आ रही है, लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। हमें विश्वास है इन सब कयासों का खुलासा जल्द ही पुलिस प्रशासन के पदाधिकारीगण करेंगे और मुजरिम चाहे जो भी हो वो कानून के शिकंजे से बचेगा नहीं। जमुआ में यूं लगता है जैसे हत्याओं का दौर सा चला है, पूरा क्षेत्र अशांत है। आप देखिए अभी जमुआ के पवित्र स्थल झारो नदी में एक सहिया को जला के मार दिया गया। दूसरी जो घटना है, एक नन्हा मासूम 10 वर्ष का छात्र को अपराधियों ने बेरहमी से कुएं में डाल करके मार दिया। दोनों घटनाओं का उद्भेदन जमुआ प्रशासन, जमुआ पुलिस ने की है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक तीसरी घटना हुई जमुआ में। अभी मैं जमुआ के साली में हूँ और आप देख लीजिए पूरी भीड़ है यहाँ पे, और एक 60 वर्षीय वृद्ध मजदूर की निर्मम हत्या हुई है। हत्यारा कौन है, हत्या का कारण क्या है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन किसी का तो परिवार उजड़ गया। आप देखिए पूरा गांव यहाँ पे जुटा हुआ है। हम गांव वालों से ही पूछेंगे क्या है हत्या का मामला, कैसे ये हुआ और कौन है ये। क्या नाम हुआ आपका? अशोक राय। अशोक जी, जिनकी हत्या हुई है कौन है आपके? मेरा संगा भाई है। आपके भाई है? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अशोक राय नाम। और जिनकी हत्या हुई है वो कौन है? उनका स्वर्गीय नारायण राय नाम है। कहाँ काम करते थे ये? वो मिल में काम करते थे। कहाँ, कौन सा? नए टांग मिल में। किनके यहाँ? सरजू वर्मा। कौन सा मिल? लकड़ी का? लकड़ी का मिल। तो कैसे पता चला कि इसकी हत्या हो गई है? ये हम लोग सर सुबह पता लगा, जब हम लोग गए थे बाथरूम का और तालाब का और, तो मालूम चला। अच्छा। हल्ला हुआ अचानक। हाँ। और हम सुबह ही, आज का ही सुबह में हम जा रहे थे अपना बेटी का ही सौदा करने के लिए, बात तोड़ने के लिए शादी के विषय में, और हम 8-9 बजे तक लोग को हम बोले अपना जात भाई को कि चलना है सुबह। वो लोग भी तैयार हुआ कि हाँ चलेंगे। गाड़ी भी हम ठीक कर लिए, मेरे घर में 8 बजे सुबह गाड़ी आना वाला था। तब तक जब हम तालाब में पानी छू रहे थे बाथरूम करके, उस दरमियान में हल्ला हुआ। अच्छा। बोला अरे बंसीपड़ा को मार दिया, इसका प्रचलित नाम हो गया, नट्ठा बीच के रखा है लोग। अच्छा। कि बोल बंसीपड़ा को मार दिया, बंसीपड़ा को मार दिया। अब हमको वहाँ बेहोशी छा गया कि अरे साला कैसा धंधा हो गया। तो इसके और परिवार में कौन है? इनके परिवार में एक लड़का है सर। तो ये प्रत्येक दिन शाम को आते थे काम करके? हाँ, प्रत्येक दिन शाम को आते। तो कल नहीं आया तो खोजबीन नहीं की? नहीं, खोजबीन उनका घर वाला बोला, बुलाता है 12-1 बजे रात में, तो अपना। यहाँ से कितना दूर में है इनका? यही घर है सर इधर। तो ये हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये लाश पड़ी हुई है। ये देखिए, ये साइकिल है इनकी जिससे ये लकड़ी मिल से लकड़ी लेके आ रहे होंगे, और ये पड़ा हुआ है, ये यहीं पे ये लाश लोगों को मिला है ना। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या शंका आप जाहिर करते हैं? हम शंका सर, हम किसी को, निर्दोष आदमी को फंसाना नहीं चाहते हैं। हाँ। और दोषी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो हम फौजी कुत्ता का मांग किए हैं। अच्छा। थाना प्रभारी से वो मंगवाए और मेरा जाँच करके सही आदमी को पकड़े। अच्छा। तो क्या बोला है प्रशासन के लोग? प्रशासन सर, छोटा बाबू आए हैं, बड़ा बाबू अभी बाथरूम में है, बोल रहे बाथरूम कर रहे हैं, हमको दूसरा जगह काम है। अच्छा, बड़ा बाबू नहीं आए हैं? मुखिया जी आए हुए हमारे। कहाँ है मुखिया जी? कौन है? देखिए महिलाएं यहाँ पे पड़ी हुई है, रोग आ रही है, परिजन है इनके। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया जी, कितने बजे आ जाते थे रोज? हम ससुराल में रहते थे, हमको नहीं पता। अच्छा। 7 बजे। आप पत्नी हैं? हाँ, 7 बजे। क्या नाम है आपका? किरण देवी।
कितने बजे आ जाते थे? 7 बजे। तो कल नहीं आए? ना कल हम रात में जागले के आपके थे, आपके ना खाना धान उसर के सब धाना छह के धर ले गए और धाना के हम लकड़िया लेके एक बिहान उसर में था ना। तब हम रात को कहे कि ना आए तो रात देखिए खोज खोज कहना पलिए तो चिलेबो ना कर ले चिल्ला ले से चिलेबो ना कर ले चटे मैंने बगैर खाए पी के मर गया अगर मार ले थी तो फोन उन भी रखते थे ना रखो को बाबू। अच्छा किनके यहाँ काम करते थे? राजू मिला। अच्छा तो वो कुछ बताए? हाँ वो एल थी यहाँ की बोल के बस 7 बजे 5 बजे बोल के गलत घर से हमारे घर से मैं निकाल दिली बोलिए घर लेकर गया हो तो लेकर घर चल जाओ धीरे धीरे ऐसे बोले यहाँ तो चल जाओ घर दो। किसी से कोई दुश्मनी इनकी? दुश्मनी हाँ हमारा दुश्मनी है। तो आप बताए प्रशासन को? आपको लगता है वैसा तब बताना है। परसू खिना पी ले खेल लाल झाड़ा लाल को एगो दिलपा एगो सुरेशवा एगो मोहर राय एगो जंधर राय तीनों गोटे मारल थी मारि के ऐसा फुला दल थी मारिकनी घर आयो तो देखो यहाँ तक कोई बोल हमारा मारको मोहरा मारको कल कहाँ मारको उठा उठा जैसे पड़ते मको पटे से खी सब फाट गलो अब हम छठू रह गलो घर के कको कि जाना है बोले अकरा चम दिन में उठा दी दिलपा दिलपा कहीं उठा दी हम जाइए पढ़े तो हमारे भैसरा कल के और उदियो बैठल और आखिर उ टाइम में रखी जे टाइम कैसे टाइम रखे मारि के धर दिल्क यहीं के लोग है। हाँ यहाँ के हमारे भैसुर है बड़ा भैसुर है अकाल दो लोग बैठ वहाँ बैठे लड़का है। क्या नाम है आपका? संदीप है। क्या करते हो संदीप? कुछ नहीं वैसे पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ पे? मिडिल हाई स्कूल। कौन क्लास में? 11। तो क्या लगता है आपको? आराम से सोच के बोलो धीरे धीरे। क्या पापा का कैसे पता चला तुमको? सर सुबह पता चला। तुम कहाँ था? घर में। क्या लगता है तुमको? क्या लगता है? लड़ाई झगड़ा थी? यस सर। हैं? यस सर। तो प्रशासन को बताए? नहीं सर किसी को नहीं बताए। ये इनके परिजन इनकी पत्नी और इनके बच्चे शक कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी थी और 2 दिन पहले लड़ाई भी हुई है, ये कुछ लोगों के नाम बता रहे हैं। आप थोड़ा सा खड़ा होइए। क्या नाम बता रहे हैं आप? कौन कौन ऐसा कर सकता है? किरण देवी। नहीं नहीं किस पर आपको शक लगता है? शक लगता है देखो दिलीप राय और छट्टू हमारे घर वहाँ गलो घर देखे घूर के नहीं तो कहो कि बोल अरे एक बोल की हतो ना से हम जा आइयो ऐसा तो नहीं कमा कहीं एक जमीन जोतल ना देवे और आदमी में 2 गो आन ले लो बाहर से नहीं जान लेना से कह के नहीं कह के नहीं कल के बोला कनी उच कर लक और डिहा बोला 4 आदमी जुटा लक हम एब हम घूर कर लहसु देखो से कहो हमारा के बोल के छठू में छठू राय जमीन से लड़ा। हाँ जमीन से लड़ा पूरा एकदम। तो जैसा कि इनकी पत्नी बता रही है कि जमीन का लड़ाई गांव के ही कुछ लोगों से है जो उनके गोतिया है और इनको शक है। अब तो ये जांच का विषय है और प्रशासन इसमें जांच करेगी। अभी थाना से कुछ लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी बड़ा बाबू को सूचना है? बड़ा बाबू आए हुए हैं। कहाँ है? आप पहले आए क्या ओम प्रकाश जी? क्या पता चलता है? क्या बताए परिजन? अभी तो कुछ निश्चित रूप से कुछ नहीं बता रहे हैं लोग। अच्छा नए लोग कुछ लोगों का नाम बोल रहे हैं? नहीं उनका भाई से अशोक राय है, मृतक के भाई अशोक राय से बातचीत हुआ है। उनका कहना है कुत्ता मांगे तब पता चलेगा कि कौन है नहीं है। निम्न तो किसी का नाम नहीं बता रहे थे। उनकी पत्नी क्या बोल रही है? पत्नी तो श्रीमाने के सामने बोले, हम लोग के सामने हम लोग बहुत कुछ पूछताछ किए लेकिन नहीं बता पाए कुछ। अच्छा देखिए यहाँ पर पूरा लोग जुटे हैं और सही में इस तरह की घटनाएं जब शांत क्षेत्र में होती है तो लोग का परेशान होना लाजमी है। और हम बात करते हैं अशोक जी, आपके क्षेत्र की घटना है, क्या लगता है आपको? आपराधिक घटनाएं बढ़ गई आपके क्षेत्र में? जिस तरीके से बेरहमी से गांव के अंदर में नारायण राय जी का हत्या किया गया है और ये बेरहमी से हत्या किया गया है जो रोंगटा कांप जाता है कितने दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या किया गया है। और ये लगातार जो हों जोरासांक में आप जो देखे किस तरह बच्चा को जो है गांव से ही अपहरण करके हत्या कर दिया जाता है। और हम लोग के पवित्र झारू नदी वहाँ पुष्पा कुमारी का
पेट्रोल छिड़क के जो है हत्या करता है। पूरे मानो लग रहा है कि जमुआ एक सेफ जोन बन गया हत्यारों के लिए। लगातार जो है हत्याएँ जो है हॉस्पिटल कैंपस में जो है सहिया इसी को हत्या हो जाता है, और अभी तक हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल पाया है। इसीलिए लगातार जो है हत्यारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। हम मांग करते हैं कि खोजी कुत्ता बुलाकर और इस हत्या का उद्भेदन करें। पूरे परिवार के लोगों के साथ हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक खोजी कुत्ता आके जो है हत्यारों की खोज नहीं कर लेती। हत्यारों का सेफ जोन बनता जा रहा है जमुआ, ये कहना है भाकपा माले के जमुआ विधानसभा के प्रत्याशी अशोक यादव का, और क्षमा करेंगे अशोक पासवान जी का। और ये सचमुच में जब इस तरह की घटनाएं शांत क्षेत्र में होती है तो लोगों को उद्वेलित होना लाजमी है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि प्रशासन इस घटना को किस रूप में ले रही है, और प्रशासन से जो मांग की जा रही है खोजी कुत्ता का, उसमें प्रशासन के क्या कदम है। हम सीधे बात करते हैं जिस थाना क्षेत्र की घटना है, हिरोड़ी थाना प्रभारी यहाँ पे मौजूद हैं। राधेश्याम जी, कैसे सूचना मिली आपको? हाँ, यहाँ का मुखिया द्वारा बताया गया। कितने बजे? ये करीब 7 बजे। अच्छा, सुबह में बताया गया कि प्रथम दृष्टया तो ऐसे मैंने सर में जो है तो चोट दिखाई दे रहा है, लेकिन परिजन कुछ बता नहीं रहे हैं। नहीं, परिजन उसकी पत्नी बता रही है कि गोतिया लोगों का नाम ले रही है। हाँ, तो नाम लिख के देगा, हम लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको लगता है कि हत्या हुई है? अब तो ये स्पष्ट अभी नहीं है। अच्छा, ये हत्या है कि नहीं स्पष्ट नहीं है? अस्पष्ट नहीं है। खोजी कुत्ते की मांग की जा रही है, सीनियर पदाधिकारी से तभी बात कर रहे हैं इस संबंध में। जी, समय तो उसमें लगेगा। जी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मंगाना पड़ता है। तो ये हिरोड़ी थाना प्रभारी है जिनके क्षेत्र की घटना है, और परिजन के मांग पर ये अनुकूल में काम कर रहे हैं, अपने वरीय पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं कि खोजी कुत्ता आवे और दूध का दूध और पानी का पानी हो, कोई निर्दोष फंसे नहीं, और अगर कोई दोषी है इस हत्या का तो वो सलाखों के पीछे हो। क्या नाम? जो मेरा नाम है रीना कुमारी। कौन है आप? हम है मतलब जो जैसे कि जो हत्यारा का नाम ले रहा है, या फिर जो आप उनके कौन लगते हैं? उनका हम मतलब बगल से हैं सर। अच्छा, तो क्या कहना है आपका? मेरा कहना है सर, जो इस तरह का जो घटना किया है उसको सजा और सत्य होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए उसको, और जो नाजायज मतलब इस तरह का नहीं किया है उसको जबरदस्ती फंसाना हमको ये बेजायज नाजायज लगता है सर। जो हम सजा अगर हम मतलब गलती किए हैं तो हमको सजा दीजिए, हम गर्दन में आड़ के खड़ा है सर। और अगर हम गलती नहीं किए हैं और उसमें भी अगर हमको सजा दीजिएगा तो उस मेरा नाजायज है सब मतलब यहाँ के। बिल्कुल, ये सभी चाहेंगे कि कोई निर्दोष इसमें फंसे नहीं, और जो दोषी हो इस घटना का उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये तो सभी चाहेंगे। हम बात करते हैं जिस पंचायत की ये घटना है, उस पंचायत के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं। आप मुखिया हैं या? नहीं, हम स्वयं मुखिया हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी। कमरुद्दीन जी, ये आपका पंचायत है? जी। साली पंचायत? जी जी। और ये गाँव भी साली है? कैसे सूचना मिली आपको? सूचना हमको मोबाइल से मिला सुबह में 7 बजे। किसने दिया? ये राजू मंडल ने दिया हमको। अच्छा, सूचना। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ आए, देखे बात सच है। अच्छा, आप इनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे? व्यक्तिगत रूप से जानते थे। कैसा व्यक्ति था ये? आदमी बहुत बढ़िया था, सामाजिक किस्म का आदमी था ये। अच्छा, किसी भी मुसीबत में आगे रहता था ये। अच्छा अच्छा, इनको हम बढ़िया से जानते थे। अब भले इसमें कोई आपसी घरेलू या गुतियादारी कोई दुश्मनी होगी वो तो हम नहीं बता सकते हैं। जी जी जी। उसके संबंधित परिवार के लोग जान सकते हैं। जी जी। लेकिन इनको हम जानते थे, बढ़िया आदमी था जी, किसी भी मुसीबत में आगे रहता था हमेशा। तो ये घटना तो बहुत दुखद, बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद है। आप ये घटना दुखद है। अपने गाँव वालों की तरफ से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इसका जो दोषी व्यक्ति है, जो लोग दोषी हैं, वो अविलंब उसको जो है सो गिरफ्तारी हो, उसको जेल भेजा जाए, अरेस्टिंग हो जी, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई मैंने किसी तरह का जो है सो मतलब देर नहीं होना चाहिए। तो दोषी चिन्हित तो हुए नहीं अभी? चिन्हित नहीं हुए तो पुलिस इस पर जो है सो छानबीन करे, तुरंत छानबीन करे जी। इस पर जो खोजी कुत्ता होता है जी, या जिस तरह का जो टेक्निकल पुलिस का कार्रवाई होता है उस पर जो है सो तहकीकात करे, सच्चाई पर जाने, और दोषी आदमी फंसना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति जो है इसमें
उस पर कार्रवाई नहीं हो, दोषी आदमी को जो है मतलब गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं प्रशासन से। एक जनप्रतिनिधि का जो डिमांड होता है, एक जनप्रतिनिधि की जो मांग होनी चाहिए वो मुखिया जी यहाँ पे कर रहे हैं कमरुद्दीन जी, कि दोषी बिल्कुल बचे नहीं और जो निर्दोष हो वो इन मामले में उलझे भी नहीं। अब ये प्रशासन को देखना है कि कैसे खोजी कुत्ते की मांग हो रही है, खोजी कुत्ता आवे और जो टेक्निकल विंग होते हैं प्रशासन के चीज़ों को पड़ताल करके निकालने का, चाहे वो मोबाइल का टेरेस हो, चाहे और जो सारी चीज़ें हैं, चाहे उनके जो गुप्तचर होते हैं, इन चीज़ों से प्रशासन से यही डिमांड है पूरे गाँव वालों को और पूरे क्षेत्र के लोगों को यही डिमांड होना भी चाहिए कि दोषी अंदर जाए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये बहुत जघन्य हत्या है, बहुत निंदनीय है और किसी भी मानव की हत्या से बड़ा पाप और कुछ नहीं होता और कोई निर्दोष फंसे भी नहीं। त्वरित तरीके से यहाँ पे खोरी महुआ SDPO मुकेश कुमार जी पहुँचे हैं और हम इस घटना के संबंध में उन्हीं से सीधा बात करते हैं। क्या लगता है सर इस घटना? देखिए, ये बिल्कुल हत्या का मामला है। जैसे ही सूचना मिला, हिरोडी प्रभारी सहित इंस्पेक्टर और मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। नारायण राय है जो लकड़ी आरा मशीन में काम करते हैं। कल संध्या के वक्त जब वो लेट से नहीं आए, घर पहुँचे, तो उनके परिजन जो है खोजबीन करना शुरू किए। आज सुबह ग्रामीणों को पता चला कि 6 बजे एक डेड बॉडी यहाँ पे मिली है और वो नारायण राय की है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बॉडी को अपने कब्जे में हम लोग कर लिए हैं और कार्रवाई उसमें चल रही है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी और इसमें जो भी इस हत्या में शामिल है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो मृतक की पत्नी है वो कुछ लोगों को चिन्हित करके बता रही है। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जो भी तथ्य सामने आएगा, जो भी लोग इसमें जो षड्यंत्र करके इसकी हत्या किए हैं, उसे हम लोग बख्शेंगे नहीं। अनुसंधान शुरू हो चुका है और हम लोग रिजल्ट जल्द देंगे। मृतक नारायण राय, जैसा कि समझ में आ रहा है, वो एक सामाजिक व्यक्ति था और माले का सक्रिय सदस्य भी था। यहाँ पे माले के कद्दावर नेता और प्रखंड सचिव ना, जिला कमेटी सचिव विजय पांडे जी है यहाँ पे। हम इनसे जानते हैं घटना के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में जिनकी हत्या हुई। नारायण राय 1980 के ही समय से ही पार्टी के कट्टर समर्थक के रूप में हम लोगों ने इनको जाना था और लगातार पार्टी के लिए जो है समर्पित रहना, पार्टी के साथियों के लिए समर्पित रहना। और जब ये घटना आज पता चली तो ये काफ़ी निंदनीय घटना है। माले समर्थक की हत्या हुई है और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि 24 घंटा के अंदर उद्भेदन करें और नहीं तो माले आंदोलन करेगी। आपको क्या लगता है, ये घटना कोई राजनीतिक कारक है इसका? अब जब तक इसमें उद्भेदन नहीं हो जाता है तब तक इसमें अभी कोई बातें करना, प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और हत्यारों की जो है गिरफ्तारी करे, हत्यारों को कठोर सजा दे। ये बात तो तय है कि हत्या हुई है। नारायण राय, जैसा कि बता रहे हैं विजय जी, माले के कट्टर साथी रहा है और नारायण राय की कहीं ना कहीं मृत्यु से, उसकी हत्या से माले को एक नुकसान भी पहुंचा है। तो माले के लोग चाहते हैं कि इस घटना का उद्भेदन हो, इसे ये राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि हत्यारा जो भी रहे और हत्या का एंगल जो भी हो वो उद्भेदन में सामने आए।